बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में मी टू कैंपेन के बारे में बात करते हुए इसे असफल बताया है। दरअसल लॉकअप के हालिया एपिसोड में साईशा शिंदे ने बताया था कि एक फेमस ड्रेस डिजाइनर ने उनका शारीरिक शोषण किया था, जिस पर कंगना ने बात करते हुए कहा था, मुझे लगता है कि युवा लोगों का यौन शोषण बहुत आम है, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में। हम इंडस्ट्री का कितना भी बचाव करें, ये सच है, जबकि ये बहुत सारे अवसर देता है, ये कई सपने तोड़ भी देता है और लोगों को अस्थायी रूप से जख्मी कर देता है, ये काला सच है। उन्होंने आगे कहा, ये सच है कि यौन शोषण हर इंडस्ट्री में होता है, लेकिन उनका मानना है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोगों को लाइसेंस मिल गया है, क्योंकि वो लोगों के कपड़े और पीड़ितों के बारे में गपशप करते हैं, कहते हैं कि उनके साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। कंगना ने आगे कहा, यहाँ तक कि जब मी टू मूवमेंट हुआ था तो उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, वो लड़कियाँ जो बाहर आई थी गायब है, जिनको मैंने सपोर्ट किया था सब की सब गायब है, मैं इंडस्ट्री में बैन कर दी गई थी और लड़कियाँ गायब है। और हमारे आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं इशिका जैन, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।